और पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और सेना और पुलिस पर हमला करने वालों को राजद्रोह उनके जेल में तो डालो। हमारी पुण्य सलीला मातृभूमि को तोड़ा है और वही आज हल्द्वानी में हिंदुस्तान के प्रति पुलिस पर हमला करके गोलियां चला रहे हैं। वर्तमान में हल्द्वानी में जो हुआ है, कल ही मदरसा तोड़ने के दौरान जिस तरह से वहां पर रायट्स हुए हैं और पुलिस वाले घायल हुए हैं, चार लोगों की मौत हो गई है, इस पर आपकी राय क्या है? मेरा स्पष्ट कहना है, जिस ताकतों ने राम मंदिर तोड़ा, हमारा देश तोड़ा, हिंदुओं के घर लूटे, वही ताकत सेना और पुलिस पर हमला कर रही है। कश्मीर में प्रतिदिन हमारा एक बेटा मारा जा रहा है और वही हल्द्वानी में पुलिस पर हमला कर रहे हैं। पुलिस और सेना देश का प्रतीक है, दे आर सिंबल ऑफ ए नेशन, और सेना और पुलिस पर हमला करने वालों को राजद्रोह उनके जेल में तो डालो, उनकी नागरिकता छीन लो, सेना और पुलिस पर हमला करने वाले को भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं भारत के देशभक्तों को आह्वान करता हूं, सेना और पुलिस के स्वाभिमान के लिए एक होकर सरकार के साथ खड़े रहो और सेना और पुलिस पर हमला करने वालों की नागरिकता छीनकर यह लोगों को भारत से बाहर करो। अब तो तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जो सेना पर और पुलिस पर हमला करता है, सुन लो, कल आपके घरों पर हमला करेगा, कल आपकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएगा पैलेस्टाइन की, इज़राइल की भांति। इसलिए सेना और पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा।